क्या आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान विभाजन और 1965-1971 के युद्ध के दौरान कुछ लोग अपनी पुश्तैनी मकानों की ईंटें तक उठाकर भारत ले आए थे? आज हम बताएंगे सरहदी गांव गडरा रोड की एक अनसुनी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। भारत पाकिस्तान का विभाजन और बाद के युद्धों ने लाखों लोगों को अपनी मातृभूमि छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इनमें कई लोग अपने पुश्तैनी मकानों से गहरी यादें जोड़कर आए थे। गडरा रोड के महेश जोशी जैसे लोग, जो अब बाड़मेर के पास सरहदी गांव गडरा रोड में रहते हैं, पाकिस्तान से अपने मकानों की ईंट उठाकर भारत ले आए और इन्हीं ईंटों से उन्होंने यहां अपने घर बनाए। इन मकानों पर आज भी प्लास्टर नहीं किया गया है, क्योंकि इन ईंटों पर प्लास्टर करने से उनकी पुश्तैनी घरों की यादें मिट जाएंगी। उस टाइम पहले से आ गए थे, उसके बाद में 75 वगैरह में गए, फिर जो हमारे मकान बने हुए थे वो ईंटें भी निकाल के हम ले आए, कुछ नहीं छोड़ा वहाँ पे। कारण क्या था इसके? कारण यह है कि अपनी प्रॉपर्टी क्यों वहाँ छोड़े, वहाँ से जो भी अपने खुद के मकान वगैरह बने थे वो सब ईंटें वगैरह निकलवा के, कोई ऊंटों पे, कोई किस पे, मजदूरों से वगैरह से ढोवा के सब इधर ले आए। गडरा रोड में कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने पाकिस्तान के गडरा सिटी की यादों को ताजा रखने के लिए उन ईंटों से अपने घर बनाए हैं। यहाँ के मकान उन कठिनाइयों और यादों का प्रतीक है जो लोग विभाजन और युद्ध के समय झेलते हुए आए थे। महेश जोशी बताते हैं कि उनके मकानों की ईंटें 100 साल पुरानी हैं और इन्हें पाकिस्तान से ऊंट और अन्य साधनों के जरिए लाया गया था। यही बस पार्टीशन हो गया तो सब हिंदू लोग थे यहाँ आ गए, तो अपना मंदिर, अपनी प्रॉपर्टी भी सब यहाँ ले आए, गांव पूरा सुना हो गया। आज तक भी वो गांव अब बिल्कुल सुना है, वहाँ कोई नहीं बस रहा वैसे। जी सर, सिटी गड़ा में कोई नहीं अभी। पत्थर से भी मजबूत है, ये बहुत मजबूत है, टूटती नहीं बिल्कुल, इसमें ना तो इसमें कोई कीड़ा लगता है ना एलईडी लगती। 100 साल से भी पुरानी ईंटें अभी है जो है ये। भारत पाक युद्ध के बाद गडरा सिटी वीरान हो गई, लेकिन उसकी यादें आज भी इन मकानों में जिंदा है। पहले पाकिस्तान में गडरा सिटी और अब भारत में गडरा रोड के रूप में ये लोग अपनी विरासत को संजोए हुए हैं। महेश जोशी बताते हैं कि पाकिस्तान की ईंट पत्थर से भी मजबूत होती है और आज भी सरहद पार भारत में मकान बनाने में काम आती है। पूरा गडरा आ गया था सर, पूरा गडरा जितने बसे हुए थे उस टाइम तो बहुत ज्यादा थे, फिर कुछ इस गडरा में बसे, कुछ गुजरात चले गए, महेश्वरी लोग गुजरात चले गए, कोई कहाँ चले गए, ढाट समाज के काफी लोग आए थे यार, अब तो कम ही बचे। उसके बाद में 65 में भी आए, 71 में भी आए, उसमें काफी लोग गुजरात वगैरह चले गए, जैसे यहाँ पे अकाल आने लगे, कोई कमाई के साधन नहीं रहे। तो गडरा रोड के ये मकान सिर्फ ईंट और गारे के नहीं बने, बल्कि ये मकान उन यादों, संघर्ष और प्यार के प्रतीक हैं जो लोग अपने साथ लाए थे। लोकल ईटिंग के लिए बाड़मेर से मनमोहन सेजू की रिपोर्ट।